एक कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बारे गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान और कैनेडा के सफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए हैं और पाकिस्तान ने कैनेडियन हुकाम के साथ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। 23 जून को पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कैनेडा के हाई कमिश्नर को वजारत खारजा तलब करके उनसे पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के मनसूख होने वाले दौरा कैनेडा के बारे में कैनेडियन रुकन पार्लियामान टॉम कैमिज की जानिब से दिए गए एक बयान और उस पर कैनेडा के पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए दिफा ब्रायन मेक रद्दअमल पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने कैनेडा के हाई कमिश्नर को तलब करके उन्हें एक एहतजाजी मरासला दिया है। याद रहे कि कैनेडा की पार्लियामान से 17 जून को एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें रुकन पार्लियामान टॉम कैमिज कैनेडा के वजीर दिफा से सन 2020 में जनरल बाजवा के मनसूख होने वाले दौरा कैनेडा से मुतालिक सवाल कर रहे हैं। इस सवाल के दौरान टॉम कैमिज मुख्तलिफ नौयत के इल्जाम भी आयद करते दिखाई देते हैं। टॉम कैमिज इस वीडियो में कहते हैं कि कैनेडा की वजारत दिफा के दस्तावेजात से मालूम होता है कि सन 2020 में जनरल कमर जावेद बाजवा का मुजवजा दौरा कैनेडा अवाम के टैक्स के $50,000 से मंजूर किया गया था, लेकिन इस दौरे को कोविड-19 के बायस मनसूख कर दिया गया था। उनका मजीद कहना था कि कनाडा के एक असिस्टेंट नायब वजीर ने इस दौरे को मुनासिब करार दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या कनाडा के वजीर दिफा भी इस राय से इतफाक करते हैं कि जनरल बाजवा के दौरे पर $50,000 सर्फ करना मुनासिब है। इस सवाल के जवाब में पार्लियामानी सेक्रेटरी ब्राय कौमी दिफा ब्रायन मे ने कहा कि मैं अपोजिशन रुकन टॉम कैमिज की बात से इतफाक करता हूँ कि ये सूरत हाल गैर मुनासिब है। मैं इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल से आगाह नहीं हूँ। मैं मजीद तफसीलात हासिल करने के बाद रुकन के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। इस मुकालमे की वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई दिनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा शेयर की जा चुकी है। ख्याल रहे कि रुकन पार्लियामान टॉम कैमिज इससे कबल भी पाकिस्तान के हवाले से कई बयान दे चुके हैं। सन 2018 में पार्लियामानी कार्रवाई के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ करारदाद भी पेश की थी। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमर्स में कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वह अकलीतों के हकूक की हिफाजत करें और इम्तियाजी सलूक के कवानीन को ख़त्म करें और पाकिस्तान को मिलने वाली कैनेडियन इमदाद को इंसानी हकूक को यकीनी बनाने से मशरूत किया जाए। अगस्त सन 2020 में उन्हें एक ऐसे वेबिनार में भी मदऊ किया गया था जिसका उनवान जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन का आलमी दिन था और ये सिंधी फाउंडेशन ने मुनक्किद करवाया था। ताहम अब ताज़ा वाक़े के बाद पाकिस्तान और कैनेडा के सफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।